हेलो, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज हम देखने वाला कैसे हम फ्री में आयरन वुड बेस्ट बनाने वाले हैं। भाई कोई भी ऐसे झंझट नहीं है, आराम से हम इजीली बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल ही फ्री में। भाई सलो भी उसके लिए हमको चाहिए एक बोर चाहिए और एक हिरन चाहिए और दो और चाहिए और कुछ नहीं। भाई सिंपल है, चलो अभी हम सारा सामान भाई इकट्ठा करते। पहले बोर टेम्प करते हैं। भाई बोर को भाई पकड़ने के लिए ना आपको आपका फ्रेंड चाहिए होगा, या तो आपके पास अच्छा सा आर्मर होगा तो भी हो जाएगा सोलो में, वरना भाई वो मारता है रहता है उसको। भाई टेम्प करने से पहले ही हम मर जाते, इससे अच्छा भाई अपने एक टीममेट को बुला लो और देखो अभी हम कैसे उसको पकड़ते। ऐसे तो सबको ही पता है भाई, एक बेजल लगा दो और एक अपने टीममेट को उसके ऊपर चढ़ा दो, आराम से वो उसके ऊपर एम लेता रहे मारता रहेगा और भाई हम आराम से हम उसको टेम कर सकते हैं। चलो अभी पहले बोर ढूंढते, ओके चलो मिल गए, अपना टीममेट भी आ गया। मैंने कहा चल मैं तेरे लिए भाई अपना एक बेजल लगा देता हूँ भाई ऊपर चढ़ता, पर उसके पास भाई टाइटेनियम आर्मर है तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे वो ऐसे ही चला जा रहा था, मेरे को कोई ऐसे नहीं जा रहा है, मर जाएगा इस तरह से। भाई चलो बेजल पे वो खड़ा हो गया और हम जल्दी से उसको टेम करते हैं और फिर दो और चाहिए और एक हिरन चाहिए। तो हिरन तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, पर उस साइड जाएंगे ना तो वो वहाँ से मिल जाएंगे। ओके यहाँ से बोर तो भाई भर भर के मिलेगा, तो अपने टीममेट को भी हम भाई हेल्प कर दें क्योंकि वो भी भाई सारा सामान इकट्ठा कर ले। जैसे ही वीडियो आएंगे भाई वो भी, उसने बोला भाई तुम वीडियो डाल देना मैं देख के कर लूँगा। मैंने कहा ठीक है भाई चलो बढ़िया है। ओके अपना एक बोर हो गया, पर हम भाई एक्स्ट्रा और एक पकड़ लेंगे, एक दो और पकड़ लेंगे ताकि भाई कभी कभार ना उसमें जो जाए ना वो आता नहीं। मैं दिखाऊँगा जो कि क्या जाइए, आप समझ जाओगे। इसमें कोई भाई मुश्किल वाला काम नहीं है, बिल्कुल भी इजीली आप कर पाओगे टाइम भी हम। ओके चलो यहाँ पर हम एक और एक्स्ट्रा पकड़ लेते ताकि बाद में दिक्कत ना हो। चलो जब तक हम ये सब कर रहे तब तक भाई जो भी बंदा नहीं आया और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दो सब्सक्राइब। ओके अब भाई हमको और चाहिए थे, तो वैसे भी और तो भाई ईजिली मिल जाएंगे कहीं पर भी। और भाई माउट वाला लोगे तो अच्छा होगा, वरना भाई नॉर्मल लोगे तो भी चलेंगे, पर भाई माउट वाला लेना जो कि अच्छा होगा। ओके हमने दो ओर्स और एक भाई हिल को भी पकड़ लिया। ओके अपना हिरन भी आ गया, अब भाई उसको भाई इवोल्यूशन कराना है भाई। चलो उसके लिए हमको पहले जाइए ये ब्लू वाली, अपने पास बहुत ज़्यादा भाई एजेंट वाली शीशी है। ओके और भाई ये भी है, चलो दोनों सामान ले लिया। अब पहले जाना है भाई, पर उससे पहले हमको भाई अपने और सामने दो टेम किए ना उसका नाम चेंज कर देंगे। ओके इसका नाम रखते हैं भाई S1 रखते हैं और दूसरे का रख देंगे S2, ताकि भाई हमको बाद में प्रॉब्लम ना होगा क्योंकि संतेज करेंगे ना हम, इसीलिए। चलो इसको S1 रख दिया और दूसरे और को रख देंगे S2। बस दूसरा कुछ नाम चेंज करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, इस दो उसको ही ताकि आपको याद रहे भाई किसको आपने संतेज किया है और किसको नहीं किया और किसके साथ किया। चलो पहले जैन संतेज यामया इसमें आ जाते हैं और इसमें भाई S1 वाला ओर्स लेंगे यहाँ पर पहला, और दूसरी जगह प्लस वाला आइकन आ रहा है ना वहाँ पर लेंगे हम बोर, कोई सा भी बोर लेंगे और भाई यहाँ पर क्राफ्ट कर लेंगे। चलो देखते क्या मिलता है। ओके बोर हेड जेन मिला जो कि हमको यही चाहिए, दूसरा कोई मिलेगा तो नहीं चलेंगे, इसलिए बोर हेड जेन मिले नहीं ना तब तक आप उसको क्राफ्ट करते रहना, इसलिए हमने थोड़े एक्स्ट्रा लिए बोर को पकड़े। और अभी बारी है भाई दूसरे और को, और उसके साथ हमको एक इल्क लगाना है जो कि हिरन को लगाना है। चलो इसको भी क्राफ्ट करते और इसमें भाई टेल चाहिए हमको। ओके इल्क हेड जेन मिला जो कि हमको नहीं चाहिए, तो हम वापस से अपना वही ओर्स लेंगे S2 वाला, और उसके साथ वापस से हमने एक्स्ट्रा हमने हिरन पकड़े थे, तो बाद वापस से क्राफ्ट करते और देखते हैं इस बार क्या मिलता है। ओके चलो भाई इस बार ओके ये भी नहीं चाहिए, देखो भाई क्या। और एक अपने पास और एक इल्क है तो वापस से S2 वाला ओर्स लेंगे और वापस से भाई इसको क्राफ्ट करते हैं। ये लास्ट हिरन है, बाद में भाई नहीं मिला तो हमको टेम करने जाना पड़ेगा। ओके फाइनली टेल जेन मिल गया, ये हुई ना बात भाई हमने इसलिए एक्स्ट्रा पकड़े थे। अब भाई बायोलॉजी के इवोल्यूशन करना है जो कि भाई इसमें तो भाई आराम से होता है क्योंकि जो सा चाहिए था वो तो मिल गया। अब भाई इसको पहले ड्रॉप किया और अब चलते हैं भाई बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में, और भाई और देखते हैं पहले S1 रखेंगे पहले प्लस साइन पर और नीचे वाले में लिखेंगे S2 वाला,
ओके, आयरन बीस्ट मिल गया। चलो अभी भाई इसको क्राफ्ट करने, इवोल्यूशन करने के लिए हमको चाहिए भाई इवोल्यूशन बूस्टर, जो कि भाई आराम से हम यहाँ पर पेट शॉप में जाके भाई बाय कर लेंगे। देखो ये ट्रेड टिकट तो आपको पता ही होगा भाई कहाँ से मिलती है, जो कि भाई सबको पता होती है। ओके चलो अभी आराम से अपना भाई करते S1 को लगाते हैं और नीचे लगाते हैं S2 वाला हॉर्स, और ये है अपना भाई अपग्रेडेबल भाई हॉर्स मिल गया हमको, ऐसा ही बोलेगा भाई। ओके चलो अभी इसको भाई थोड़ा सा राइड वाइड करते हैं और देखते हैं भाई कितना मज़ा आता है। ओके चलो अपना हो गया काम, अभी इसके लिए फूड जाया होगा। वैसे फूड तो भाई पेट शॉप से ही बाय करेंगे, वैसे भाई कहाँ पे इसे बनाने बैठेंगे। ओके चलो वैसे भाई हम यहाँ पर अपना बेस पे यहाँ पर है, और भाई सारा सामान वैसे अपने टीममेट ने भाई इकट्ठा किया है, हम भाई रूम नहीं किए थे तो अपने पास भाई एक भी सामान नहीं था। ओके चलो इसको भाई खिलाने के लिए तो भाई अपने पास सामान नहीं है, तो मैंने कहा इसको भाई नॉर्मल हॉर्स को भाई पके हुए मशरूम अच्छे लगते हैं, मुझे लगा इसको भी पसंद होगा, पर भाई मैंने तो इसको पका के खिलाया पर इसकी हेल्थी बड़ी भाई, इसके लिए दूसरा कोई फूड चाहिए होगा। मैंने कहा भाई अब कोई भी झंझट नहीं करेंगे, अपना पेट शॉप पे जाएंगे और यहाँ से एडवांस भाई पेट फूड लेंगे, और लो इसको खिला देते हैं। ओके हो गया अपना काम, अब भाई पेट ये प्रोसेस फूड भी चाहिए होगा भाई, पता नहीं भाई यहाँ से ही हम बाय करेंगे। ओके प्रोसेस पेट फूड भी ले लिया पास, और लो अपना काम हो गया भाई, इतना काम है भाई, कोई दिक्कत नहीं है और कोई टेंशन वाली भाई बात ही नहीं कर कैसे करेंगे। ओके ये लो अपना भाई आयरन वो बीस्ट बन गया है, चलो अपना काम हो गया। चलो फिर आज की वाली वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भाई जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया और भाई बेल आइकन ऑन नहीं किया तो भाई कर देना। ओके ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी, और भाई न्यू सर्वर भी स्टार्ट करने वाले बहुत जल्दी, तो जिसको भी खेलना हो आ जाना, मैं वीडियो डाल दूंगा। ओके चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।